हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग क्लास 10 करने वाले हैं। सो क्लास 10 है ये, और पहले से ही बोर्ड पर क्यों लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। दिस वाज आर क्लास 9, क्योंकि 9 और 10 थोड़ी थोड़ी मिली हुई हैं, एक सा साउंड करती हैं, दे साउंड सेम, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसलिए ये क्लास को एक साथ रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, अब हम इस क्लास की बात करें तो कल हमने सीखा था कि भाई मैंने ये कर लिया है, तुमने कर लिया, इसने कर लिया, उसने कर लिया, सबने कर लिया। लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा पुरानी बात करेंगे, आज हम बात करेंगे पास्ट की, कि हमने पहले ही ये कर लिया था, पहले ही कर लिया था। तो वी हैड डन दिस ऑलरेडी, हमने पहले ही कर लिया, वी हैड। अब ध्यान से सुनो, कल वाली क्लास में तो बताया भी था कि भाई अगर उसने सिंगुलर पर्सन ने कर लिया तो हैज़ डन, हम लोगों ने कर लिया तो वी हैव डन। हैज़ हैव का कन्फ्यूजन था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसमें सिंपल है, हैड थर्ड फॉर्म। क्या बोलना है भाई दोस्त हमें? हैड थर्ड फॉर्म, मैंने कर लिया आई हैड, तुमने कर लिया यू हैड। हमने पुराना है ना ये बात, हमने कर लिया था। तो देखो, अब हमें एक वर्ड यूज़ करना है, इन माई चाइल्डहुड। क्या बोलेंगे? इन साइड दो, इन माई चाइल्ड हुड। अगर मेरा था तो माई चाइल्डहुड, तुम्हारा था तो योर चाइल्डहुड, इसका था तो हिज चाइल्डहुड, इसका लड़की का था तो हर चाइल्डहुड, उन सबका था तो देयर चाइल्डहुड, और हम सबका था तो आर चाइल्डहुड। ये आपको याद रखना है। अब ध्यान से सुनो, चाइल्डहुड मतलब आपके दिमाग पे एक बात टच हो रही है कि ये बात है पुरानी, बचपन की बात है, बचपन का, आगे मैं नहीं बोलूँगा, फर्जी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। अब ध्यान से समझो, अब आपको पहले मैं ये बता देता हूँ, ये बेसिक कोर्स 2.0 है, ये हमारा नॉर्मल बेसिक कोर्स नहीं है। अगर आपको बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा, वहाँ हमारे लिंक्स दिए हुए हैं, डे बाई डे वीडियोज़ देखो और इंग्लिश सीखो। ठीक है, अब आपको समझना है, आपको बताना है कि आपने बचपन में कौन कौन से काम कर लिए थे। लेकिन ऐसे नहीं बताना कि मैंने कर लिया था, ना 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 ना, सब ने कर लिया था वो काम। जैसे मैंने बचपन में गाना गा लिया था, तो आई हैड sung a song इन माई चाइल्डहुड, यू हैड sung a song इन योर चाइल्डहुड, ही हैड sung a song इन हिज चाइल्डहुड, एंड शी हैड sung a song इन हर चाइल्डहुड, दे हैड sung a song इन देयर चाइल्डहुड, एंड वी ऑल हैड sung a song इन आर चाइल्डहुड। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहा मुझे, चलिए। एंड नेक्स्ट, मैंने बचपन में गाड़ी चलाना सीख लिया था, गाड़ी चलाना सीख लिया, हाउ टू ड्राइव कार, सिंपल है, कैसे गाड़ी चलाते हैं ऐसे बोलेंगे। जैसे मैंने बचपन में गाड़ी चलाना सीख लिया था, तो आई हैड लर्नड हाउ टू ड्राइव कार इन माई चाइल्डहुड, यू हैड लर्नड हाउ टू ड्राइव कार इन योर चाइल्डहुड, ही हैड लर्नड हाउ टू ड्राइव कार इन हिज चाइल्डहुड, शी हैड लर्नड हाउ टू ड्राइव कार इन हर चाइल्डहुड, एंड दे हैड लर्नड हाउ टू ड्राइव कार इन देयर चाइल्डहुड, एंड वी हैड लर्नड हाउ टू ड्राइव कार इन आर चाइल्डहुड। डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट था, लेकिन आपको इसी तरीके के सेंटेंस बोलेंगे। जैसे बचपन में ही कार चलाना सीख लिया था, ऐसे ही बचपन में बोलना सीख लिया था, तो आई हैड लर्नड हाउ टू स्पीक इन माई चाइल्डहुड, You had learned how to speak in your childhood. He had learned how to speak in his childhood. She had learned how to speak in her childhood. And they had learned how to speak in their childhood. And we all had learned how to speak in our childhood. Simple है, ठीक है। अब आपको बोलना है कोई भी 5 सेंटेंस कि भाई मैंने बचपन में कर लिया था, तो आपने कर लिया, हमने भी कर लिया, इन्होंने भी कर लिया, सबने कर लिया। ठीक है जी, चलिए 5 सेंटेंस आपको बोलने हैं। I had broken my toys in my childhood. You had broken your toys in your childhood. He had broken his toy in his childhood. She had broken her toys in her childhood. They had broken their toys in their childhood. In their childhood, we all had broken our toys in our childhood. Okay, that was okay. बिल्कुल ठीक था ये. Next sentence. And wait, आपको भी बोलना दोस्त, आप कैसे मुस्कुरा रहे हो? बोलना है, वीडियो को चाहे पॉज कर लो, इनके साथ बोलो, सेम फ्रिक्वेंसी, सेम साउंड और सेम फ्लुएंसी के साथ आपको बोलना है।
आई हैड लर्नड अप्लाई नेल पेंट ऑन माई नेल्स. आई हैड लर्नड हाउ टू अप्लाई नेल पेंट. आई हैड लर्नड हाउ टू अप्लाई नेल पेंट. यू हैड लर्नड हाउ टू अप्लाई नेल पेंट. ही हैड लर्नड हाउ टू अप्लाई नेल पेंट. शी हैड लर्नड हाउ टू अप्लाई नेल पेंट. दे हैड लर्नड हाउ टू अप्लाई नेल पेंट. वी ऑल हैड लर्नड हाउ टू अप्लाई नेल पेंट. वेरी गुड. अभी अभी क्लास आपको थोड़ा ज़्यादा ईजी लग रही है, अभी डिफ़िकल्ट बनेगी. जब मैं ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों को आज मिक्स कर दूंगा तो थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लगेगी. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आप भी बोलते रहो दोस्त. आई हैड ब्रोकन हॉर्न टू माई पापा बाइक. Of my father's bike. You had broken horn of your father's bike. In your childhood. He had broken a horn. He had broken his father's bike in his childhood. ठीक है. She had broken her father's bike horn in her childhood. कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस ही रहेगा, दो सेंटेंस बना दिए. I had broken the horn of my father's bike in my childhood and I had broken the bike of my father in my childhood. दोनों अलग हैं. बाइक तोड़ी या हॉर्न तोड़ा, ये तो आपको डिसाइड करना है. ओके, हॉर्न तोड़ा. She had broken horn of her father's bike in her childhood. They had broken horn of their father's bike in their childhood. We all had broken horn of our father's bike in our childhood. I had purchased doll in my childhood. You had purchased car in your childhood. He had purchased cycle in his childhood. She had purchased a doll in her childhood. They had purchased so many toys in their childhood. We all had purchased so many toys in our childhood. Okay, so ये थोड़ा difficult था लेकिन ये ठीक था जैसा भी किया, क्योंकि sentence को थोड़ा सा आपको time देना पड़ेगा क्योंकि long sentences यहाँ बनने वाले हैं. ठीक है. And now the next thing, अगर आपने कर लिया था तो आपने बोला I had done this. नहीं किया था तो I had not done this. तो उसमें आपको क्या करना है, had के बाद not बोलना है. जैसे मैंने बचपन में खाना नहीं खाया था. मैंने खाना नहीं खा लिया था. अब ये क्या था, ये सेंटेंस आप बहुत कम बोलेंगे. या तो आप बोलेंगे मैंने खाना नहीं खाया था, ऐसे कभी नहीं बोलोगे आप मैंने नहीं खा लिया था, तुम नहीं आ गए थे. तो हैड के साथ नॉट वाले सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा कम बनेंगे. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम. जैसे मैं नहीं आया था तो आई डिड नॉट कम, ना के आई हैड नॉट किया कम. ये सेंटेंस आपको बहुत कम मिलेंगे. तो मैं ये ज़्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा जिसकी कम. लेकिन अगर आपको निगेटिव करना हो सेंटेंस तो नॉट लगा देंगे हेड के बाद. इट इज़ वेरी सिंपल. अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रेजेंट और पास्ट दोनों की. ठीक है. सो गाइज, अब बारी आती है ट्रांसलेशन की. अब मैं आप लोगों से ट्रांसलेशन करवाऊंगा जो कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों से मिलकर बना होगा. ठीक है. तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कल की क्लास कितना सीरियस लिया था और आज की क्लास को कितना सीरियस लिया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं कुछ सेंटेंसेज अब बोलने वाला हूँ जो ट्रांसलेशन करेंगे हम उनका, और आपको चेक करना है राइट या रॉन्ग. इनका सही है तो आपका सही है, इनका गलत तो आपका भी गलत. समझ में आया? और अगर इनका गलत है तो मैं बताऊंगा कि सही वाला क्या है. ठीक है. चलिए, आपको एक सेकंड मिलेगा सिर्फ, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं देंगे. अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो भाई बेसिक्स देखो, ये इसमें मत आओ 2.0 में. चलिए शुरू करते हैं. बताइए आप,
मैंने बचपन में तुम्हें बता दिया था। I had told you in my childhood. तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया था। Your father had eaten food. तुम्हारे पापा पहले ही गाना गा चुके थे। Your father had sung song already. Your father had already sung the song. Had के बाद already ज़्यादा better लगता है, ठीक है? मैंने तुम्हें बता दिया है। I have told you. तुमने मुझे बता दिया है। You have told me. हम सब ने उन सबको बता दिया है। We all have told them. समझ में आया? मुझे पता है, मैंने टाइम नहीं दिया है, वेट करो, मुझे पता है, आई नो दैट। ओके चलिए, तुमने सुन लिया है। यू हैव लिसन। यू हैव लिसन। मैंने नहीं सुना था। आई हैड नॉट लिसन। मैंने नहीं सुना था, आई डिडंट लिसन। ठीक है, और काम देखो, नेगेटिव में ज़्यादातर आप पास सेंटेंस यूज करोगे। मैंने नहीं खाना खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। मैंने नहीं बताया, आई डिडंट टेल। बहुत पुरानी बात है कि भाई वो मेरे घर आ गया था, तो ही हैड कम टू माई होम। बहुत पुरानी, जब हम नॉट वाले सेंटेंस बोलते हैं तो हम ज़्यादा पुरानी बातें नहीं बोलते, ठीक है? एक नॉर्मल चीज़ है। यहाँ भी बताया था कि हैड के बाद जो नॉट है बहुत कम ही से बोला जाएगा, ऐसे में अच्छा है कि कट लो और सेकेंड फॉर्म वाला पास्ट में घुस जाओ, ठीक है? तुम्हारी मम्मी मेरे घर आ गई थी। Your mother had come to my house. ठीक है, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारे साथ खेलते हुए देख लिया है। Your father has seen Playing us. Has, देखो मैंने बोला ना, इन दोनों को मैं मिक्स करूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? Playing us, हमें खेलते हुए। Play us together, कुछ भी बोल दो, play us together बोल दो, ऐसे ही होगा, ठीक है? उसने तुम्हें बता दिया है लेकिन मैंने नहीं सुना है। He has told you, but I have not listened. इसमें नॉट वाला चल जाएगा, इसमें नहीं चलेगा, इसमें क्या है, पास्ट में पहुंच जाओगे आप, ठीक है? ध्यान रखना है ये बात आपको। बचपन में मैंने सीख लिया था कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। बचपन में मैंने सीख लिया था कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। I had learned how to drive car. इन माई चाइल्डहुड भी बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जब बचपन आपको सुनाई आ रहा है तो उसकी बात आपको करनी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने तुमको बता दिया था। She had told you. ठीक है, और उसने मुझे बता दिया है। He has told me. उसने मुझे बता दिया है, तो he has told me, यहाँ ट्रांसलेशन चल रहा है, यह ध्यान रखना है, ठीक है? वो भाग गया है। He has run away. He has run away, मतलब यहाँ से दूर भाग गया है। अवे दूर भाग गया या कहाँ भाग गया हमें तो नहीं पता, लेकिन भाग गया बस इतना पता है, ठीक है? हाँ, तुम्हारी मम्मी ने अपने पड़ोसी का कत्ल कर दिया है। Your mother has killed your neighbor. अभी इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे दोस्त, वेट करो। तुम्हारे पापा ने बचपन में मुझको थप्पड़ मार दिया था। Your father had slapped me in my childhood. लेकिन मैंने भी तुम्हारे पापा के लात मार दी थी। But I kicked your father in my childhood. फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था।
And then he had closed me in a room. He had locked me in a room. ठीक है, बंद कर दिया था, locked me. Locked use होगा. लेकिन मैंने एक चाबी चुरा ली थी. But I had stolen a key. But I had stolen a key. फिर मैंने ताला तोड़ लिया था. I had broken a lock. I had broken the lock. लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे finally पकड़ लिया था. But your father had caught me finally. But your father had caught me already finally. सो गाइज, ट्रांसलेशन में थोड़ा सही लगा ना, ऐसे ही करना है. अभी स्टोरी नहीं बनवा रहा, स्टोरी वाले टाइम में आने शुरू होने वाले हैं. फिर मैं कुछ भी बोलूँ, आप कुछ भी ट्रांसलेशन करेंगे. इसलिए सारी क्लासेस को देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल नवी एजुकेटर पे. सो आज की क्लास थोड़ी, मुझे पता है, थोड़ी हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम कम बोलते हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट लग रही है. इस लेवल पर आके थर्ड फॉर्म को हम कम बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं दोस्त, बोलते हैं. चलिए क्लास, अब हम कल मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. और अभी हमारी एक और क्लास है, वो भी आपको देखनी है 7:30 बजे, तो ज़रूर देखिएगा. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय एवरीबडी.